श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाइयों, बहनों और माताओं, 3 जून 2022 से मध्य प्रदेश के सागर में शुरू हो गई है ओम शिव महापुराण कथा। और इस कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक काफी अच्छा उपाय बताया है, जो हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे, ताकि वह आपको आसानी से समझ में आ सके। उपाय कब करना है वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। जब कभी आपको जीवन में लगे कि बहुत दुख है और बहुत अधिक कष्टमय जीवन चल रहा है और हमें समस्या का कोई हल भी नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए हों समस्याओं से जूझते हुए, तो इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय बेलपत्र की जड़ के अंतर्गत आता है। उपाय करने के लिए आपको लाल चंदन को घिस लेना है। हमारे पास पिसा हुआ लाल चंदन है, तो हमने इसका उपयोग किया है। अब इस लाल चंदन को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। अब इस लाल चंदन से आपको शिवलिंग में पूजन करना है। इसके बाद इस लाल चंदन का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है और बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास में जाएं और जड़ के पास जाकर ओम का जाप करते हुए ओम अक्षर लिख देना है। हमने वीडियो में भी ओम अक्षर लिखा है, उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा, पर आपने लिखा है वह काफी है। और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए एक बेलपत्र को बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, मतलब शाम के समय करना है।